इस देश में दो चीज का बड़ा नशा है, एक परसेंटेज का, एक नौकरी का। और नौकरी कर लो तो ना तो पैसा है और गुलामी अलग से है। कैपिटलिज्म का पीरियड चल रहा है, पूंजीवाद। दो अटेम्प्ट आईएएस का दिए हो गए तो ठीक है, वरना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप। पर जिसके पास अच्छी एजुकेशन है उसके पास फील्ड की कमी है। आईएएस की यूपीएससी की परीक्षा सिविल सेवा की स्टेट सेंटर मिला के दो दो से ज्यादा देना ही नहीं चाहिए। मतलब देने का मतलब यह कि आपने दो अटेम्प्ट आईएएस का कायदे से दे दिया, हो गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ, उसी वक्त कुछ और शुरू करिए। खासकर लड़कियों के लिए सबसे अच्छा रहेगा पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया अपने सब्जेक्ट में जो उनका ऑप्शनल है, और फिर नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो एक चीज तुरंत सिक्योर हो गई। जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, नेट कर लिया तो पीएचडी तो हो ही जाएगी, तो टीचिंग लाइन का मामला फेट हो जाएगा। लेकिन दो अटेम्प्ट देने के बाद, दो अटेम्प्ट में अगर हो गया, सेंटर में हो गया, स्टेट में हो गया, फिर तो कोई जरूरत ही नहीं। इन केस नहीं हुआ तो जब दो अटेम्प्ट दे लिया तुरंत पीजी, तो सोशियोलॉजी तुम्हारा ऑप्शनल है, सोशियोलॉजी में पीजी कर लो। अब चूंकि तुमने दो मेंस लिखा है आईएएस का तो तुम्हारी तैयारी तो अच्छी यही है, जेआरएफ दे दो। मेंस की तैयारी अच्छी है मतलब जेआरएफ निकलेगा, जेआरएफ की उम्र नहीं बची तो नेट निकलेगा, पीएचडी तुम्हारा आसान हो जाएगा। जय हिंद फ्रेंड्स। द्विज की अपार सफलता और उस प्रोग्राम का महत्व, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं और जितने भी लोगों को आज से दो साल बाद, मतलब 25 में जिनको अटेम्प्ट देना है, 24 में जिनको अटेम्प्ट देना है, मतलब द्विज एक ऐसा प्रोग्राम है इलाहाबाद में जो आपके पैसे के व्यर्थ नहीं होने देगा, आपके टाइम को व्यर्थ नहीं होने देगा। 8 घंटा क्लास में पढ़ना, होमवर्क करना, न्यूज़पेपर। तो अगला बैच 6 जून से शुरू होने जा रहा है, गवर्नेंस की क्लास से 6 जून 2023 और तीसरा बैच 22 जून 2023। आप सब सादर आमंत्रित हैं। आपका धन, आपका पैसा, आपकी तैयारी तीनों केंद्रित करके ये बैच चलाया जा रहा है। द्विज श्री यथार्थ नेक्सा शोरूम के ऊपर सिविल लाइंस। जय हिंद। एक प्री का क्वेश्चन हो जाए। थैंक यू। एक बॉटल दे दीजिए। हाँ ठीक है। आशुतोष बताओ। कौन कौन प्री निकाल रहा है? जो आंसर दे देगा, तीन तो फ्री फेल ही हो चुके हो तीन प्री में, एक चौथा प्रॉब्लम है। कौन आंसर बताएगा?
इंग्लिश कंपलसरी पेपर है आईएएस में, और 2023 के भारत में रहते हो, निम्न में से किसमें वतन जागीर की अवधारणा थी? चल गए कौन बोल रहा है? क्यों तुम्हारे मानने से थोड़ी यूपीएससी जल्दी है? तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है, हमारे तुम्हारा मानना चलता ही नहीं। कोई बात नहीं, तुमने ट्राई किया, बड़ी अच्छी बात है। अब देखो एलिमिनेशन, देखो चौथा कह रहा है नन ऑफ देम। राजपूतों में वतन जागीर थी ही थी, अजमेर के चौहान, कन्नौज के गढ़वाल, वतन जागीर, वतीन, वतन की हमारी पैतृक संपत्ति है। तो चौथा आंसर तो खत्म हो गया, ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। 18 सेंचुरी में एक छोटा सा राज्य बना भरतपुर, 18वीं शताब्दी में एक छोटा सा राज्य बना भरतपुर, दूसरा भी खत्म हो गया। दो तो वैसे ही खत्म हो गए, याद रखना प्रीलिम्स की परीक्षा कोई पढ़ के नहीं निकाल पाता। पिछले 4 दिन से क्वेश्चन कर रहा हूं और 4 दिन से तुम लोग फेल कर रहे हो, अभी कोई प्री निकालने की स्थिति में नहीं पहुंचा। अब क्या है, अब ये तो है वतन जागीर वाले लोग, क्यों? क्योंकि अजमेर के चौहान, अजमेर इनकी वतन जागीर है, अजमेर के चौहान, कन्नौज के गहडवाल, मालवा के परमार, ये सब इनकी वतन जागीरें हैं। अब ग्वालियर के सिंधिया, अब नागपुर के भोसले, अब इंदौर का होलकर, अब बड़ौदा का गायकवाड, ये भी इनकी वतन जागीर है। प्रीलिम्स की परीक्षा में ये क्वेश्चन आते हैं 20, 40 तो सभी करते हैं, इस 20 की कोई प्रैक्टिस नहीं करता। जो पढ़ा नहीं वो तो परीक्षा में बैठ ही नहीं सकता, संभावना ही नहीं। तो फिर निकलेगा किसका? इस गैंग का, जो प्रैक्टिस करेगा एलिमिनेशन वाली। आज चौथा क्वेश्चन है ये, रॉबर्ट क्लाइव सबने पढ़ रखा है, सबने पढ़ रखा है इस क्लास में ना, कोई ऐसा है जिसने रॉबर्ट क्लाइव को नहीं पढ़ा है? पढ़ा है?
पर एक क्वेश्चन दे दें अभी 10 लाइन का लिखने का, तुम नहीं लिख पाओगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, जिस चीज को तुम एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो तुम पढ़े हो ये कोई मानेगा नहीं। जिस चीज को तुम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, वो तुम पढ़े हो ये कोई मानेगा नहीं। सवाल ही नहीं उठता कि कोई मान ले, क्योंकि पढ़े होने का मतलब यही है कि साहब हम बता देंगे। तुमसे किसी ने पूछा न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, तुम तुरंत भागने लगे। द बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, द बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अंटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अगल बगल वाले गायब हो गए, क्या बोल रहा था ही? और तुमने डेमो दे दिया कि साहब ये हाँ खड़ी है, बोले हाँ खड़ी है, बोले ताकत अगर बाहर से लगा दो तो हिलेगी, बोले हिल रही है, बोले यही है न्यूटन का नियम पहला कि जो चीज स्थिर है वो स्थिर रहेगी, जो चीज गति में है वो गतिमान रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। और थोड़ा क्रिएटिव हो गए। अब कबीर का जो स्टाइल है वो रैंचो का स्टाइल है, कबीर रैंचो, और इन लोगों से मैंने ये स्टाइल चुरा ली है। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई कर दो। शंकर इतना बड़ा सिद्धांत समझा रहे हैं, माया विद्या फलाना धमाका। शंकर की फिलॉसफी पढ़ाओ गांव में जाके, लाठी लेके दौड़ा ले तुमको सब। ब्रह्म अविद्या माया, गांव वाले कहेंगे भाई पागल करके छोड़ोगे भाई, तुम्हारी पत्नी से तुम्हारा लगाओ अविद्या के कारण। बोले अविद्या, भाई बाबू लड़कवा हमारा एमबे की है, इसका क्यों लगाओ अपनी पत्नी से, ये तो विद्वान है, हम तो चलो अनपढ़ है। अविद्या ही नहीं समझा पाए। कबीर वही कॉन्सेप्ट को एक लाइन में कहते हैं, इतने प्यार से कहते हैं, माया छाया एक सी बिरला जाने को है। क्या कंपैरिजन है, इंसान की छाया बनती है, दिखती है पर होती नहीं है, छाया को तुम पकड़ नहीं पाओगे। ये उसको बोलते हैं शंकर के पूरे सिद्धांत को इस आदमी ने देशज भाषा में कन्वर्ट कर दिया। अब गांव का आदमी माया तो नहीं समझ पाएगा, ये तो शंकर का शब्द है, छाया कहेगा श्यामलाल काका, बोले हाँ, बोले तुम्हारी छाया तो बनती है, बोले बनती है पहले पकड़ के दिखाओ। माया छाया एक सी बिरला जाने को है। इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। थोड़ा क्रिएटिव हो जाओ, इसको इस्तेमाल करो। इतना रखे हो, इतना बड़ा, सिर्फ परेशान करने के लिए दूसरों को रखे हो। हाँ, कबाहट ही तो है, सही कह रहे हो, कबाहट ही है। देखो अनपढ़ आदमी कभी स्कूल नहीं गया, क्या प्यार से अपने कॉन्सेप्ट, इतना बड़ा सिद्धांत, इतना बड़ा शंकर का माया का सिद्धांत, बहुत सारे लोग जानते ही नहीं, उस आदमी में एक लाइन में बता दिया कि चलो ये वर्ड हटाओ, ये छोड़ दो, ये जाने दो, ये शब्द जाने दो, ये पकड़ में आई, बोले हां। माया छाया एक सी बिरला जाने को, होती दोनों है, दिखती दोनों है पर होती नहीं है।
यही रेंचो कर रहा है जब मशीन की डिफिनेशन दे रहा है। अब चतुर्लिंगम क्या कर रहा है? परिभाषा बता रहा है। यही तो रेंचो कर रहा है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। सिविल सेवा को तुम्हारे ज्ञान से मतलब नहीं है, तुम्हारे समझ से मतलब है। भारत देश को चलाना है, भारत देश जहां पढ़े लिखे लोग हरकतें करते हैं। अभी यहां से निकलोगे ना, देखना लिफ्ट के पास कितना थूक रखा है। लिफ्ट के दरवाजे में पैर लगा के खड़े रहते हैं, 5 मिनट से पैर लगा के खड़े हैं। सेंसर है, खराब हो जाएगा, अंदर जाओगे और सेंसर फेल कर गया, सीधे नीचे और फिर ऊपर। हम तो खैर इस्तेमाल ही नहीं करते। कल एक साहब मिल गया मुझे 3rd-4th floor पे, कह सीढ़ियों से क्यों जाते हैं? हमने कहा बुजुर्ग थोड़ी है तुम्हारी तरह, जो तुम मेहनत करते हो वो खाली थोड़ी जाती है, तुम्हारे शरीर को मजबूत करती है, पसीना बहता है ना। मेवा खाने से ताकत आती तो अंबानी का बेटा खली होता, बॉडी बनी होती भयंकर, उसको खाने की कौन सी कमी है? देखो मुकेश अंबानी जी के बेटे को, पसीना नहीं बह रहा है। नहीं तो रिक्शा वाला मजदूर, कभी इनका हाथ पकड़ के देखो, ये जो मकान वकान मजदूर बनाते हैं, कभी इनसे लड़ के देखो, कुश्ती नचा के फेंक दे, इतनी ताकत है शरीर में। वो ताकत आई कहां से? ये तो मेवा खाते नहीं, पसीना बह रहा है ना। बेचारे काजू खाए ना, पिस्ता खाए ना, बादाम खाए, गोश्त भी लाते हैं तो वो जो बचा हुआ होता है। तुम तो चिकन ले आए 400 रुपया किलो, उसका पैर छोड़ आए, पंजा लेग तो लेके चले आए, पंजा छोड़ आए, वो उस पंजे को खरीद के ले आते हैं 50 रुपए किलो। अब इतना पैसा तो है नहीं 400 रुपए किलो चिकन ले ले, दिन भर में 400 कमाया ही है, तो 50 रुपए किलो जो पंजे, क्योंकि पंजा लेके कोई नहीं आता, सब फेंक देते हैं, वो उसको ले आते हैं 50 रुपए किलो। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। कोई पढ़ो, घर बैठो सोचो यार ये क्या, ये कैसे किया जा सकता है। क्या है ये, क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है, मतलब क्या है, क्या करना चाहता क्या है, पॉलिटी किसकी किसकी तैयार है। तुम्हारे डर के मारे हालत खराब है, पता नहीं किस बात के युवा हो तुम। तुम तो 22-22 साल के बुजुर्ग बैठे हुए हो क्लास में। युवा मतलब बगावत, कि मास्टर बोलेंगे तो है ही है। तुम्हारे अंदर बदतमीजी है, वो बगावत नहीं है। बगावत और बदतमीजी में बहुत फर्क है, थिन लाइन डिफरेंस है दोनों में। क्यूबा में जब बगावत हुई तो फिदेल कास्त्रो का टीचर सामने पड़ गया, सिपाहियों ने घेर लिया उसको, हिसाब ये बतिस्ता का समर्थक है। उसने कहा नहीं, हमारे शिक्षक हैं, इनको सम्मान से घर पहुंचाओ।
बोला विरोधी है साहब। बोले अरे बगावत और बदतमीजी में बहुत फर्क है। कृष्ण बागी है, शिशुपाल बदतमीज है। भाई कोई किसी को इज्जत दे रहा है, देने दो, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? पांडव श्री कृष्ण को इज्जत दे रहे हैं, देने दो। तुम्हारे मोहल्ले में जो आदमी झाड़ू लगाता है, सुपर है, उसको तुम कैप पहना रहे हो, टोपी पहना रहे हो, रुमाल पहना रहे हो, कपड़ा नया नया दे रहे हो, पड़ोसी आ गया कह रहे ये तो सुपर है, इसको इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो? और तुमने निकाल के दो गोली डाल दी अंदर। बगावत अलग चीज है, बदतमीजी अलग चीज है। बदतमीजी से बचो। इसको करो, क्लाइव को ऐसे पढ़ो जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया। क्लाइव क्या है? एक शब्द में तुम रॉबर्ट क्लाइव को याद कर सकते हो। क्लाइव क्या है? संकट मोचक। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। पहली बार किस संकट से निकाला? कर्नाटक संकट से। दूसरी बार किस संकट से निकाला? फोर्ट विलियम संकट से। कौन सा तोहफा दिया कंपनी को? प्लासी का, प्लासी का गिफ्ट। चौथी बार कौन सी संकट से निकाला? बंगाल का मैनेजमेंट बक्सर से। बस ऐसे याद रखो, सिर्फ इतनी बात पे तुम 4000 वर्ड क्लाइव पे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। इसमें कौन सा रटना है तुम्हें कि क्लाइव संकट मोचक है? इसमें कहां रटना है? रटना है नहीं चलेगा बाबूजी, काम पुराने ढर्रे पे काम नहीं चलेगा। अभी तो ये द्विज प्रोग्राम कुछ लोगों को पता चला। जय फ्रेंड्स, श्री यथार्थ एक बिल्कुल नया कोर्स शुरू करने जा रहा है एनसीईआरटी। इस देश में ह्यूमैनिटीज पढ़ाई नहीं आती 12th तक। 10th तक जो लोग पढ़ते हैं उनसे कहा जाता है हिस्ट्री पढ़ के कोई नौकरी नहीं पाता। और फिर वही लोग आगे आईएएस की तैयारी करते हैं बिना आधार बिना बेस। साइंस के बच्चे को ह्यूमैनिटीज का अप्रोच ही नहीं पता। तो कुल मिलाकर जब आप ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करने जाते हैं तो 2,00,000 रुपए फीस का शुद्ध नुकसान होता है बिना बेस। श्री यथार्थ 12 से 15 महीने में आपका पूरा बेसिक्स क्लियर कर दिया। जितने भी लोग 12th कर चुके हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा अवसर है। 12th के बाद जो ग्रेजुएशन फर्स्ट 12th कर चुके हैं, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है, बहुत बेहतरीन अवसर है उनके लिए। यहां आकर 4.5 से 6.5 में एनसीईआरटी के इस कोर्स को ज्वाइन करें। और सबसे अच्छी बात क्या है, आपका 12 से 15 महीने के बीच में पूरी एनसीईआरटी कराई जाएगी, जिससे कि जब आप जीएससी कोचिंग ज्वाइन करें तो आपको यह ना पूछना रहे कि इकोनॉमी क्यों पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए, ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए। और इस कार्यक्रम को मैं खुद लीड कर रहा हूं, मेरे नेतृत्व में यह कार्यक्रम चलेगा। यहां पर शुरू था 4:30 से 6:30। तो जयपुर में सेमिनार कर रहे हैं अगला द्विज पे, पूरे भारत में करेंगे। सेंटर इलाहाबाद बहुत शानदार जगह है ना, रहना सस्ता, खाना सस्ता, पढ़ाई का माहौल है, यूनिवर्सिटी है, लाइब्रेरीज हैं, किताबें हैं। और आज भी इलाहाबाद की गरिमा है, लोग आना चाहते हैं। जब दिल्ली और इलाहाबाद के बीच टसर होती है तो मिडिल क्लास कहता कि नहीं, इलाहाबाद बेस्ट है। पहला काम ऑब्जर्वेशन,
तुम तो अगर क्लाइव की जगह होते लंदन जाके शिकायत करते कि इसकी कोचिंग ही नहीं दी थी, ये पढ़ाया ही नहीं गया था, हमारे सिलेबस में था ही नहीं कि भारत पर कब्जा कैसे करें। एप्लीकेशन कहां लगाओगे इसको? बिजनेसमैन बनने में लगाओगे, नेता बनने में लगाओगे? इस देश को अच्छे नेता उसी दिन मिलेंगे जिस दिन इस देश की जनता पैसा लेकर वोट देना बंद कर देगी, उससे पहले कोई संभावना नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं इलाहाबाद में, कम से कम 50,000 अच्छे लोग होंगे, पर वो लड़ना नहीं चाहते, फालतू में कौन बवाल ले। ऐसे हर शहर में अच्छे लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, ब्राह्मण हैं, सब, पर वो तभी निकलकर बाहर आएंगे जिस दिन इस देश की जनता कहेगी भैया हमको पैसा नहीं चाहिए, हम अच्छे आदमी को वोट करेंगे। एप्लीकेशन, ये तीसरी चीज तुम रंजो से सीख सकते हो। देखो रैगिंग जब हो रही है वो उसके पैंट में पानी डाल दे रहा कि अब तो उतारो के पैंट, एक बोतल पानी डाल दे रहा, वो जाता कमरे में अपने आप को बंद करता है, तार खींचता है। एप्लीकेशन, जिस पढ़ाई को तुम इस्तेमाल ही ना कर पाओ जीवन में, उस पढ़ाई का फायदा ही क्या है? तुम पढ़ाई को सिर्फ एक चीज के लिए कर रहे हो, वो भगवान किसी तरह, इतनी बड़ी चीज है पढ़ाई, इतनी बड़ी चीज है पढ़ाई और इतनी मजेदार चीज है पढ़ाई। तुम पता नहीं कैसे बोर होते हो, दुखी होते हो, नाराज होते हो, इतनी प्यारी चीज पढ़ाई है। और जिस दिन सिंप्लीफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, एप्लीकेशन आ गया तुम्हारे पास, उस दिन चौथी चीज रैंचो की तुम्हारे पास भी आ जाएगी, पर्सनालिटी, किसी भी परिस्थिति को कैसे झेला जाता है। रैंचो, फिर वो शादी एपिसोड, मैरिज एपिसोड, करीना कपूर कहती कि आप समझाते बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा को समझा देंगे? कहता बिल्कुल समझाएंगे, कहता बस आपके पीछे खड़े हैं, तीनों पलटते हैं, डीन खड़ा है। दो की हालत तुरंत खराब, फरहान और राजू की, पर वो खड़ा हुआ है। कहता किसकी तरफ से आओ? कहता साइंस की तरफ से। कहता कैसे? विल यू एक्सप्लेन? कहती पापा ये समझाते बहुत अच्छा है। तुम इंटरव्यू देने का जवाब ही नहीं दे पा रहे हो, जैसे लग रहा लड़ाई में जा रहे हो। इंटरव्यू देने जाते वक्त लोग ऐसा लगता है जैसे युद्ध में जा रहे हैं। सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं, तुमसे इंटरेक्ट करेंगे एक ऑफिसर की तरह, एक ऑफिसर से इंटरेक्ट करेगा, बस यही तो है पर्सनैलिटी। तुम यूपीपीसीएस का कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, कोई तुम्हें मारने जा रहा है कि तुमको गाली देगा, कि तुमको मारेगा, कि तुम्हारे साथ बेइज्जती करेगा, वो तो तुमसे एक वाद विवाद का, मतलब विवाद नहीं, बात करेगा, इंटरेक्शन करेगा। यार पढ़े लिखे आदमी हो, कंपटीशन मेंस क्वालिफाई किए हो, इंटरव्यू देने आए हो, मतलब बहुत समझदार हो, और क्या करेगा? तो इस देश में जितने लोग चाहते हैं, लाइव चल रहा है, कि मेरी एक साल की तैयारी यानी 365 दिन 8 घंटा होती रहे, इसमें कोई ब्रेक ना आए, वो श्री यथार्थ के द्विज प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इस देश में जितने लोग ये चाहते हैं, जितने कि भैया हमको 8 घंटे डेली पढ़ा दो, हमसे नहीं हो पा रहा है, श्री यथार्थ नेक्सा शोरूम सिविल लाइंस प्रयागराज, जितने लोगों को भी लगता है कि हम 8 घंटे का शेड्यूल नहीं मेंटेन कर सकते हैं, वो इस द्विज प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं।
क्योंकि इसकी फाइनल फीस तो है 2 लाख रुपया, दिसंबर से कर देंगे, अभी तो 1,10,000 है, 1 ही लाख थी, मैंने कल कहा 10 बढ़ा दो। दिल्ली में मैं देखता हूं लोग जाते हैं, वहां कोई कुछ नहीं कहता, और जब भी कोई तुम्हारे लिए काम करे, देखो क्लाइव को, किसी से कुछ सीख रहे हो, किसी से कुछ ले रहे हो, कुछ नहीं है, 50 किलो गेहूं ही दे दो, जिसके पास जितनी देने की क्षमता है ना, उसी के पास पाने की भी है। समंदर को देखो, ये कॉन्सेप्ट निकाल दो कि तुम गरीब हो, कमजोर हो, ये सब बात है। कलाम साहब, जिसके पास चेतना है वो अमीर है। इस दुनिया में गरीब सिर्फ एक ही आदमी है जो पागल, जिसका दिमाग खराब है, वो गरीब। ये अजीब सी एक चीज इस देश में चलती है, और चेतना है और जवानी है। ये है इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य, और ये रहेगा अप्रोच, और ये रहेगा प्रोग्राम। और भगवान के आशीर्वाद से कर्नाटक और हरियाणा से लोग आई गए, बिहार से आई गए, तमिलनाडु से नहीं चाहिए, क्योंकि वो बेचारा सिर्फ इंग्लिश मीडियम पढ़ पाएंगे, तो तमिलनाडु छोड़कर बाकी सारे राज्य के लोगों को यहां लेकर आना है अगले 4 महीने के अंदर। बस अब उस अश्व को छोड़ना बाकी है, अश्वमेघ। पहला प्रोग्राम करेंगे जयपुर में, और पेरेंट्स हिंदुस्तान के बड़े कोऑपरेटिव होते कि भैया 12 घंटा पढ़ा दो, हम कहेंगे 8, वो कहेंगे 12, 50,000 और ले लो, वहां से निकलने ही मत दो भैया, 4-5 भैया वॉशरूम बनवा दो, मेरा बच्चा वॉशरूम बार बार जाता, कोई बात नहीं, वॉशरूम का भी पैसा ले लो। इस देश के पेरेंट्स बड़े कोऑपरेटिव है, पहले जब टीचर मार, अच्छा पहले के टीचर साइंटिफिकली मारते थे, यहां मारते थे, ना कुछ टूटे ना कुछ फूटे, बाद में टीचरों ने यहां मारना शुरू कर दिया, कान की सुनने की क्षमता ही चली गई। पहले टीचर बड़ा साइंटिफिकली मारते थे, यहां अब मैं इसी से करता था, तो यहां पे एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, तो दबता था तो ये एक्टिव हो जाता था, तो दोबारा कोई होमवर्क ऐसा होता ही नहीं था कि ना करे, तो मारते थोड़ी थे, वो इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को एक्टिव करते थे, डस्टर लेते थे और डस्टर से मारते थे, कैसे करो। और अगर बाय द वे किसी ने हाथ पीछे खींच लिया वो हो ही जाता था हाथ पीछे, तो जैसे मास्टर ने किया ऐसे कर लिया, फिर बोला आप 4 बार मारेंगे, तो जब हम घर पहुंचते थे तो मार खाने का कोई सबूत नहीं होता था, और टीचर सब समझदार थे, माँ बाप से मिलते थे बोलते थे ओझा जी बताइए आप इतने बढ़िया आदमी, और ये पता लगा पिताजी ने 2-3 हाथ वहीं मार दिया उठा के, हमारे तो नहीं मारा, बाकी लोगों का होता था, पेरेंट टीचर मीटिंग कराते थे ना, तो पेरेंट टीचर मीटिंग में लड़कों का सारा दोष लिख के रखते थे, तो हमारी तरफ से बड़े भैया चाचा ये लोग जाते थे, बड़े भैया हैं, तो वो डांटते थे भाई, पिताजी जाते नहीं थे, उनसे उनको सुनना ही नहीं था, कह रहे थे हमारा इतना अच्छा लड़का है उसकी क्या बुराई करोगे, तो वो सुनते ही नहीं थे कोई बुराई बुराई, टीचर को उल्टा समझा देते थे
कि तुम लोग एवरेज माइंड के हो, नहीं समझ पाते मेरे बच्चे को। तो टीचर और डिसअपॉइंट हो जाता था। फिर उनको पता चला कि यार इसकी माँ बहुत खतरनाक है, माँ को बुलाओ। तो अम्मा को बुलाया गया, उन्होंने मारा 10-12 फाइट वही प्रिंसिपल के सामने। लेकिन प्रिंसिपल से मैंने कहा कि आज मरवा तो दियो सबके सामने, कांड होगा। अब तो उनके शीशा, गेट पे शीशा लगा हुआ था ऑफिस का, वही टूट गया। छोटा सा बच्चा बाहर से पत्थर मार दिया, नर्सरी वर्सरी में था। पता नहीं बच्चे बदतमीज होते हैं ना, पता नहीं पत्थर मारा ही है वो, जो कॉर्क वाली बॉल आती थी शायद फेंके हो गए होंगे तो लग गया होगा। 16,000 का शीशा था वो। बतलाए बेचारे, बाद में हम लोगों ने कहा सर हेल्प भी करेंगे। नो नो वेरी गुड यार, वेरी गुड। टीचर किसी को ह्यूमिलिएट नहीं कर सकता, टीचर किसी को डिमोरलाइज नहीं कर सकता, ये सब टीचर का काम नहीं है। और अगर वो ऐसा कर रहा है तो फिर वो टीचर नहीं है। टीचर किसी को डिमोरलाइज नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, उसका काम ही नहीं है, उसका ये काम ही नहीं है। वो कर रहा है तो टीचर नहीं है। और हो जाते हैं वो, थ्री इडियट में देखो डीन को, रेंचो से दुश्मनी कर लेता है वो, कहता मैं इसको फेल करके रहूंगा, ऐसा पेपर बनाऊंगा। चलो ठीक है फिर, ये था आज का प्रोग्राम। थैंक यू।